लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत नेपाल के बीच शुरू हुआ झूला पुल 50 गांवों को मिलेगा फायदा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत नेपाल सीमा पर दोनों के बीच एक नए अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल का शुभारंभ हुआ है। भारत और नेपाल के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से इस पुल का उद्घाटन किया गया। अमेरिकी महिला के रेपिस्ट को जमानत के विरोध में उतरे फरहान और अर्जुन। दिल्ली में विदेशी महिला के बलात्कार के एक मामले में सजा काट रहे शख्स को जमानत पर बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल और फरहान अख्तर ने सवाल उठाए हैं। दोनों फिल्मी सितारों ने कहा है कि रेपिस्ट को बेल नहीं दी जानी चाहिए। करतारपुर कॉरिडोर 90% काम पूरा, इस दिन रवाना होगा पहला जत्था। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने करतारपुर गलियारों पर जीरो लाइन से गुरुद्वारा साहिब तक का 90% निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। इस वर्ष नवंबर में गुरु नानक की 550वीं जयंती के मौके पर इसका उद्घाटन किए जाने की उम्मीद है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।